सकते हैं यहाँ पे ना महेसा का स्टेशन बन रहा है। गांव की आदत पड़ गई, दो चार दिन में मतलब पाँच छः दिन में तो ठंडा वहाँ पे था, तो देखते हैं देहरादून में कितना ठंडा होता है कितना नहीं होता है। के बैठ गया, प्रणाम प्रणाम। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यम किशोर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवप्रीति है, होगी है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो विदेव उत्तराखंड के इस प्यार से जिले चमोली गढ़वाल से। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है देहरादून जाने की, और देख सकते हैं पीछे कितना अंधेरा और क्या कुछ ढंग से दिखाई दे रहा होगा, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग ऐसे देहरादून जा रहे हैं। मैं, आंटी और अंकल और एक भैया है, हम सब लोग जा रहे हैं, तो गाड़ी बुक कर रखी है, तो देहरादून जा रहे हैं और सुबह सुबह जाना ज़्यादा बेटर है, इधर ऋषिकेश से बहुत ट्रैफिक होता है, तो चलते हैं आगे। तो भाई मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो रखा है, और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग चल चुके हैं, बारी आ चुकी है जाने की, और भयंकर हो रखा मौसम, बारिश भी हो रही है, बाकी बस चलते हैं हम। और ना भाई पूरा कोहरा लग रखा है, तो हमारे ऐसे कोहरा कहते हैं। तो दोस्तों हम परो भैया की मतलब प्रदीप भैया की गाड़ी में जा रहे हैं, और मतलब अंकल आंटी और मैं जा रहे हैं साथ में, और अभी मौसम देख सकते हैं बिल्कुल बाहर बहुत भयंकर बारिश हो रही है, कोहरा लग रखा है पूरा, तो मैंने बोला कोहरा लगता है तो हमारे यहाँ से कोहरा बोलते हैं। बाकी अभी देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रखा है, हम जल्दी जल्दी निकल चुके हैं ताकि ना ऋषिकेश में जो जाम लगता है ना वो लगे ना, मतलब हम उस टाइम उससे पहले ही घर पहुँच जाए, नहीं तो यार शाम तक ही घर पहुँचेंगे, और लास्ट टाइम जब मैं गया था ना तब तो सिर्फ 10 बजे तक पहुँचा था, तो इससे बढ़िया कि मतलब सुबह रात के टाइम पर निकल जाएंगे ना 4-5 बजे तक या 3-4 बजे तक, तो जल्दी पहुँच जाएंगे, मतलब 12 बजे तक हम सुबह के पहुंच जाएंगे देहरादून की ओर। तो अभी चलते हैं और नीचे देखिए क्या खतरनाक सा मौसम हो रखा है, और आप नज़ारे देखते रहिए, और चलते हैं हम कर्णप्रयाग की ओर। दोस्तों देख सकते हैं हम कर्ण नगरी कर्णप्रयाग के पहुंच चुके हैं, और सवेरा हो चुका है, और देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है, तो बारिश जो है ना वो रुक चुकी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो ना भीग जाते हैं और मतलब मौसम बेकार रहता तो मज़ा भी नहीं आता ना ट्रैवल करके। तो फिलहाल तो मैं मज़े से बैठ रखा हूँ, अपने फेवरेट गाने सुनते सुनते जा रहा हूँ, और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। खैर घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पहाड़ों में आकर के ना पहाड़ में रहने का मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले स्टेशन पर जो कि है रुद्रप्रयाग। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं पंचप्रयाग में से एक रुद्रप्रयाग में, और देख सकते हैं कितना प्यारा शहर है, और यहाँ से मंदाकिनी नदी कितनी प्यारी दिख रही है, और मौसम जो है अब थोड़ा अच्छा हो चुका है, बाकी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। यह है रुद्रप्रयाग का मेन मार्केट, और मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं, और देखिए यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी उखी मठ केदारनाथ साइड के लिए भी, कर्णप्रयाग के लिए भी, आगे के लिए बद्रीनाथ वगैरह के लिए भी, और यहाँ से श्रीनगर उल्टा वापस पीछे भी जा सकते हैं, वहाँ के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी। खूबसूरत सफर में पहुंच चुके हैं श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, और देखिए माँ धारी देवी का भव्य द्वार यहाँ से दिख रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है, माँ धारी देवी का भव्य मंदिर कितना खूबसूरत दिख रहा है। माता आप सबकी मनोकामना को पूरा करे और हम सबको खुश रखे। माता को चार धामों का रक्षक भी कहा जाता है, तो जितने भी हमारे उत्तराखंड के चार धाम है ना, चारों धामों की रक्षा माँ धारी देवी ही करती है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, और काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है, तो क्योंकि ना हर जगह लिखा रहता है श्रीनगर गढ़वाल, तो लोग समझते हैं कि एक नए डिस्ट्रिक्ट है कोई श्रीनगर गढ़वाल, वैसे पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है HNB, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब गढ़वाल के तो हर कोई स्टूडेंट यहाँ कॉलेज पढ़ने के लिए आते ही हैं। अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिससे ये पूरा जो पहाड़ था ना बह गया था, और यहाँ पर ये नदी ऐसी प्रकार हो गया था, और ये शहर बाद में बसा है। तो देख सकते हैं पहले मतलब कैसा था, और ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है, मतलब पहले यहाँ पहाड़ था और ये पूरा प्लेन हो चुका उस आपदा के बाद। तो वही हम मलेशिया साइड आ चुके हैं, और बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है, मतलब ठंडा थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन रखी है, और यहाँ बारिश हो रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ना मलेशिया का स्टेशन बन रहा है बहुत ही बढ़िया। तो खैर आपने माधव सिंह भंडारी के बारे में तो सुना होगा, उन्होंने कितना कुछ करा है यहाँ पे, कह सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पे इतना कुछ हो रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। खैर ये ना कर्णप्रयाग जो रेल आ रही है ना, पूरी जो ट्रेन आ रही है ऋषिकेश से, तो पूरी उसके लिए बन रहा है, और बहुत भयंकर स्टेशन बन रहा है, पूरा काम चल रहा है, टनलें वगैरह बन रही है, टनल वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं, और हम इस गाड़ी में आ रहे हैं प्रदीप भैया की, चलते हैं नाश्ता वास्ता करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और आज ना बहुत मतलब नींद भी नहीं आ रही, बल्कि 4 बजे उठ गया था, मतलब 3:30 बजे उठ गया था, 3:30 बजे, लेकिन अब भी नींद सी नहीं आ रही है, बट फिलहाल भी नाश्ता करते हैं फिर आगे चलेंगे सफर। और भाई यहाँ की खेती देखिए,
तो यहाँ पे भी खेती बाड़ी कर रखी है। बाकी पीछे तो इन लोगों ने अपने खेत दे दिया सबने, क्योंकि रेलवे स्टेशन बन रहा है तो देख सकते हैं। बाकी तो आप सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं पंचप्रयाग में से एक देवप्रयाग। ये बहुत फेमस जगह है क्योंकि यहाँ पे बनती है माँ गंगा, और माँ गंगा जो बनती है दो पवित्र नदियों से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी जो कि आती है गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल होते हुए, और बाकी जो अलकनंदा माँ है वो आती है हमारे सतोपन ग्लेशियर से जो कि चमोली श्रीनगर और रुद्रप्रयाग से होकर के यहाँ आती है। और जब दोनों पवित्र नदियाँ मिलती हैं तो फिर बनती है माँ गंगा, और यहाँ से ही सीधा आगे जा करके माँ गंगा ही कहलाती है। तो भाई अभी हम नींबू पानी पीने के लिए रुक रखे हैं यहाँ पे, और हम पहुँच चुके हैं शिवपुरी से आगे। और इस साइड आप जो देख सकते हो पहाड़ ना पौड़ीगढ़ वाले हैं, मतलब यमकेश्वर वाले, मतलब आगे से यमकेश्वर का रास्ता है। बाकी ये तो पूरा टिहरीगढ़ वाला एरिया है, यहाँ से ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं। और भाई मतलब मौसम जो भयंकर हो रखा है, बारिश आने वाली है भयंकर वाली, तो देख सकते थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी यहाँ पे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम जो है वो ठीक है, तो अच्छी बात है, चीज़ सही है कि देहरादून में मतलब गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक दूसरे ठंडा, मतलब ठंड से गर्म में आना अजीब सा होता ना, अभी गांव की आदत पड़ गई दो चार दिन में, मतलब पाँच छः दिन में तो ठंडा वहाँ पे था। तो देखते हैं देहरादून में कितना ठंडा होता है कितना नहीं होता है। बाकी यहाँ से पिकअप चलेंगे डायरेक्ट हम ऋषिकेश, फिर वहाँ से देहरादून। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश, और सबसे ज़्यादा जाम जो है इधर ही लगता है नीलकंठ वाली रोड पे, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्टिंग कराई जाती है। तो यही रोड मेरे गांव जाती है यमकेश्वर, तो नीलकंठ जो है यमकेश्वर में पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल जिले के ब्लॉक है एक यमकेश्वर, तो मेरा नाम मतलब मेरे चैनल का नाम वहीं से पड़ा है। बाकी आप देख सकते हैं ना बहुत भयंकर ट्रैफिक लगता है, अभी तो कुछ नहीं है और बहुत भयानक ट्रैफिक लगता है, और इतना ट्रैफिक लगता है क्योंकि आजकल ना मतलब दिल्ली से पंजाब से मतलब शहरों से हर जगह से हरियाणा वगैरह इधर से लोग बहुत दूर दूर से क्या है राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश आते हैं, क्योंकि सबसे पास यही है हरिद्वार ऋषिकेश, और इतना यहाँ पर ट्रैफिक रहता है इतना ना क्या ही बताएं। तो बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं हम लोग, भी बताने कितने बजे तक पहुँचते हैं। उस दिन तो मैं 7 बजे मतलब 6 बजे यहाँ पहुँच गया, मैं रुद्रप्रयाग से आया था ना, तो मैं यहाँ 6 बजे पहुँच गया था और घर 10-11 बजे तक पहुँचा, तो इतना खतरनाक जाम लगता है। बस अब हम पहुँचने वाले हैं अपने सफ़र में देहरादून की ओर। भाई हम लोग भी उतर चुके हैं और आंटी लोग घर जा चुके हैं, मैं भी घर चलता हूँ। और ना शहरों में जो है गर्म हो रहा है बहुत भयंकर, तो जैकेट तो बतानी पड़ेगी। बाकी देखो हाँ मेरे डॉगियों को देखना भी कैसे करते हो। देखो माई ने कितना प्यार करा, अब बारी जेरी की है। जेरी जेरी देखो जेरी कैसे जाके बैठ गया। प्रणाम प्रणाम। हाँ जेरी देखो क्या अचानक मस्त तरीके से बैठ रखा जेरी है ना, और कैसा सब घर में? बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया रहा। और आप लोग कैसे हो? बढ़िया। तो भाई अब घर को वापसी हो चुकी है और सब लोग खुश हो रखे हैं, जेरी माइक मम्मी सब लोग खुश हो रखे घर में कि मैं आ गया, क्योंकि उन लोगों को काम भी कराना था सारा। तो खैर घर में मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे कॉलेज वगैरह के भी, तो इससे मैं जल्दी आ गई, तो और जगह ट्रिप पे जाना था। भाई यहाँ इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना, मतलब देहरादून में बहुत चिपचिपी सी मतलब उमस सी हो रही है, बहुत ज़्यादा यार बेकार हो रहा है। इससे बड़े पहाड़ों का मौसम था, इतना ठंडा ठंडा हो रहा था, इतना मज़ेदार था वहाँ, और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं यार कैसे रहेंगे यहाँ। तो भाई अब एसी लगाना पड़ेगा देहरादून में, पता नहीं क्या हो गया, पहले इतनी अच्छी ठंडी होती थी अभी इतनी गर्मी हो रही है। तो बारी आ चुकी है आप लोगों से विदा लेने की। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।